रजरप्पा मंदिर प्रक्षेत्र के एक होटल में पटना की दो नाबालिग बच्चियों को देह व्यापार के दलदल में झोंक डालने के लिए लाया गया था। दोनों बच्चियों ने जिला बाल विकास पदाधिकारी से लिखित शिकायत की। इसके बाद बाल विकास समिति और चाइल्डलाइन संस्था के लोगों ने रजरप्पा के होटल केसरी कुंज पहुंचकर मामले की जांच की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दोनों नाबालिग के साथ 6 लोग होटल आए थे। 2 लोगों को ही आधार कार्ड लिया गया था जबकि बाकी सबको बिना परिचय पत्र के कमरा दिया गया था। एंट्री रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज भी होटल की ओर से उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे जांच टीम के सदस्यों में काफी नाराजगी देखने को मिली। राजरप्पा मंदिर परिसर में एक होटल जो है केसरी कुंज और देवलोक के जांच के क्रम में आए हुए थे। मामला था लड़की जो 2 नाबालिग मिली थी, तो जांच के क्रम में हम लोग मैनेजर से जब पूछताछ किए तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो है उपलब्ध नहीं कराया, जो जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स मांगा और सीसीटीवी फुटेज की भी हम लोग मांग की। उनका कहना था कि एक जो कस्टमर थे वो पूर्व में भी आए थे, तो हमने 30 अक्टूबर का भी फुटेज मांगा है और इधर 9 तारीख का भी फुटेज मांगा है, लेकिन तत्काल उपलब्ध नहीं कराया गया, देने में थोड़ा लिपापोती कर। जो लड़की का बयान सामने हम लोग को नज़र आ रहा है, वो बयान से ये लग रहा है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है या सेक्स रैकेट का मामला हो सकता है, क्योंकि लड़की से जब हम लोग बात की है तो उसे मालूम चल रहा है कि जो लड़के थे यहाँ राजरप्पा मंदिर परिसर में। गुमला पुलिस के सामने पीए